हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है ना, ट्वेल्थ क्लास का जो 19-20 में दोस्तों, मतलब जो जनवरी में प्री बोर्ड एमपी में हुआ है, वो दोस्तों पेपर है और इनमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें से 20 ऑब्जेक्टिव है, इनको आपको क्लियर करना है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टफ आया था, इससे इजी ही पेपर में आता है दोस्तों। जो एनुअल एग्जाम होता है इससे इजी आएगा, लेकिन दोस्तों जो आप लोग इसको किए होंगे, जो भी एमपी बोर्ड से होंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर लेंगे, है ना, जितना मैं इस पर कंप्लीट किया है। और दोस्तों, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है उन्हें भी समझेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि वार्षिक में बिल्कुल डेफिनेट रूप से आता है। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों, षटकोणीय निविड संकुलन एचसीपी में संकुलन में कितने प्रतिशत स्थान संपूरित होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड है, 74%। ठीक है, इसमें दोस्तों एक अभिक्रिया देके रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और प्लेटिनम दोस्तों यहां पर उत्प्रेरक का काम करता है, तो वो दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरक है। ठीक है ना, विषमांगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। फेन उत्प्लावन विधि से दोस्तों सल्फाइड एस का हम सांद्रण करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, सल्फाइड एस को अपन यहां पर सांद्रण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। मास्कोबियम तत्व दोस्तों समूह 15 के तत्वों को कहा जाता है, ठीक है, 14 के तत्व को नहीं। तो जो मास्कोबियम तत्व है दोस्तों किसमें है, समूह 15 में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मास्कोबियम तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 15 में समूह का। अगला दोस्तों जो आपका है ब्यूटाडाइन 1,3, यहाँ पे दोस्तों कम होना चाहिए, 1,3 ब्यूटाडाइन एवं एक्रोनाइट्राइल के बहुलीकरण से कौन सा बहुलक बनता है, तो दोस्तों ब्यूना एन प्रकार का बहुलक बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट नंबर। अब दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था केवल दोस्तों ये लघु परास होता है, ठीक है ना, लघु परासी होता है, यहाँ पे ये लघु है, ठीक है ना, दीर्घ नहीं होता, लघु होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट भी, जैसे छोटा दी लिखा है, बड़ी दी होना चाहिए, थोड़ा परासी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समानता तत्वों की ऑक्साइड विचरण, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डेल एफ जीरो तथा एफ के मध्य आलिंगन ग्राफ कहलाता है, ठीक है ना, आलिंगन, सॉरी एलिंगम है दोस्तों, इसमें एलिंगम, ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको आप लगा देना। रेडियो सक्रिय हेलोजन तत्व आयोडीन की एस्टाटीन, तो दोस्तों एस्टाटीन एटी जिसको बोला जाता है। बैकेलाइट दोस्तों तापदृढ़ बहुलक है, ठीक है, कैसा है, तापदृढ़ बहुलक है। एलिफेटिक अमीन अमोनिया से दोस्तों अधिक अधिक क्षारीय होता है, क्लियर ना दोस्तों। यदि मैं कह दूं कि प्राथमिक अमीन, ठीक है, इसके बाद द्वितीय केमीन, तृतीय केमीन, ये बढ़ते क्रम में दोस्तों क्षारीय माध्यम, अमोनिया सबसे कम होता है। इसके बाद दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव है, तो देखिए द्रव स्नेही दोस्तों गोल्ड साल होगा, धातुमल दोस्तों गैंग है, अशुद्धि मिलाने से क्रिया डोपिंग कहलाती है, विकृतिकरण दोस्तों प्रोटीन प्राथमिक संरचना कहलाता है, और ये प्राकृतिक बहुलक दोस्तों आपका है यहाँ पे रबर, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों इसके 5 के 5 ऑब्जेक्टिव, मतलब सही जोड़ी मिलाई, क्वेश्चन था आ से बा में मिलाना था, तो 5 के 5 आपको क्लियर हो गए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया था, रॉक साल्ट मतलब NaCl में दोस्तों समन्वयन संख्या, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो 6:6 का होता है। किसी अधिशोषित पदार्थ को पृष्ठ से हटाने की घटना दोस्तों विशोषण कहलाती है, ठीक है। अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है। द्विक लवण के 2 उदाहरण दोस्तों, तो आप लोग दे सकते हो, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों द्विक लवण के 2 उदाहरण, मोहर लवण और फिटकिरी, मतलब 2 आपके द्विक लवण हैं, तो उदाहरण दे सकते हैं। उपसहसंयोजी संख्या की परिभाषा देना है दोस्तों, तो आप परिभाषित भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन था उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 550 ml बिलियन में मिले हैं। दोस्तों जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, इसका मैं सॉल्व करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों जो टिंडल प्रभाव है काफी महत्वपूर्ण है, समांगी उत्प्रेरण दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। IUPAC नामकरण दोस्तों वार्षिक में डेफिनेट रूप से आएगा ही आएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना, IUPAC नामकरण बिल्कुल आएगा, ठीक है। कीलट किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दोस्तों में अंतर लिखना था आपको, तो इसको भी तैयार कर लेना, पेपर में एनुअल एग्जाम में दोस्तों 50% चांसेस है। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसको मैं करा दूंगा, अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। और जो दोस्तों अभिक्रिया है, जो भी अभिक्रिया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी अभिक्रिया नाम पे आधारित है, जैसे जिन्होंने इस अभिक्रिया की खोज की दोस्तों उन्हीं के नाम पर, जैसे हाफ मैन है, मास्टर्ड है, कार्बिल एमीन है, तो जो नाम पे अभिक्रिया है दोस्तों उनको बिल्कुल आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह
अभिक्रियाएं कंप्लीट करने में आसान होता है, बाकी दोस्तों यदि समीकरण देना होता है तो वहां पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए जो नाम की अभिक्रियाएं हैं वो अथवा में डेफिनेट रूप से आते हैं, उसे तैयार कर लेना। अगला दोस्तों आपका डीएनए आरएनए में तीन अंतर है और विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। हालांकि दोस्तों जो ये प्री बोर्ड का पेपर है बहुत ही इजी है, ठीक है ना, इतना इजी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगला देखें दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में चार अंतर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इजी भी है। आगे देखें, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संक्रमण धातुएं यौगिक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दोस्तों ये संक्रमण धातु के चैप्टर का है, ठीक है, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन ऐड रहते हैं। मैंने सारे वीडियो इस तरह के ना पूरे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। लैंथेनाइड किसे कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, परिणाम, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन मैंने कराया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल आता ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझाना है, ठीक है। फिर दोस्तों क्लोरोफार्म से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोफार्म से सारे के सारे महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्लोरोफार्म की बनाने की विधि भी आती है, उसे भी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फिनाल एलिफेटिक एल्कोहल अधिक अम्ली होता है, कारण, ये भी दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। पिछले बार विक्टर में अभिक्रिया आया था दोस्तों, लुकास परीक्षण इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहाइड्रोजनीकरण है, ऑक्सीकरण है, ये चार पांच ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो कि चार पांच में से भी एक आता ही आता है। देखिए दोस्तों मैंने कहा था ना, नाम के आधार पर आता है, रोजनमुंड अभिक्रिया, कहने जा रहा हूं अभिक्रिया, ये नाम के आधार पर अभिक्रियाएं हैं, और जो भी नाम के आधार पर अभिक्रियाएं उनको बिल्कुल तैयार कर लेना, डेफिनेट रूप से आता है। अगला क्वेश्चन है कि केवल समीकरण देना है, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अवगत करके, हो सकता है इनको मैं क्लियर करके आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, जो भी समीकरण समीकरण है, क्योंकि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण समीकरण है ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित परिभाषा दीजिए, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, सेलिस्थिरांक, इनको समझाना था, इकाई और सूत्र भी लिखना है, जो जो भी आएगा, ठीक है। कोलरास का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलरास का नियम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। फास्फीन का क्वथनांक अमोनिया से कम होता है क्यों, PCl3 नमी उपस्थित में धूम देता है क्यों, तो ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन चैप्टर 7 है ना पी ब्लॉक के तहत, तो वहां से ये क्वेश्चन उठा के आया था। और इसमें दोस्तों फास्फोरस के ऑक्सीअम्ल जैसे यहाँ पे देखे ही रखा है, सल्फर के ऑक्सीअम्ल और क्लोरीन के ऑक्सीअम्ल, उस चैप्टर के तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक आता ही आता है, जैसे देख लीजिए फास्फोरस के ऑक्सीअम्ल आया हुआ है इस बार। जीनान उत्कृष्ट गैसे हैं फिर भी यौगिक बनाता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में दोस्तों ये यौगिक बनाता है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों ये प्रतिजैविक और प्रतिजनन क्षमता आया था, कृत्रिम मधुरक खाद परीक्षक, तो ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसका पूरे पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों से तैयार कर लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तैयारी कर लेना भाई, क्योंकि आप यदि क्वार्टरली एग्जाम, ठीक है, और दोस्तों हाफ ईयरली और ये प्री एग्जाम, इनकी आप तीनों तैयार कर लेते हैं तो 70% डेफिनेट रूप से आपके आ ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड तीनों एग्जाम के पूरे क्वेश्चन तैयारी कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।